आप देख रहे हैं आर पार, देश का लोकप्रिय डिबेट शो। आज बात सिर्फ कानपुर हिंसा की नहीं होगी, आज सोच पर भी सवाल उठाना बेहद आवश्यक है, जरूरी है, जो दंगे में, हिंसा में, अपराधियों में और यहां तक कि आतंकियों में भी धर्म की गिनती करते हैं। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कानपुर के आरोपियों को पकड़ने में पूरी ताकत झोंक दी, 50 से ज्यादा आरोपी अरेस्ट यानी गिरफ्तार हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ दंगाइयों को धर्म के नाम पर कवर फायर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुलिस एक तरफा एक्शन कर रही है, योगी सरकार को मुस्लिम विरोधी करार कर दिया गया है, बताया जा रहा है। कानपुर के शहर काजी का कहना है कि 90 से 95% मुसलमान अरेस्ट किए जा रहे हैं, हम पर जुल्म हुआ तो हम सर पर कफन बांधकर निकलेंगे, ये तक कहा गया। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश में अपराधियों का एनकाउंटर हुआ तो ओवैसी ने कहा 37% मुसलमान मार दिए गए। खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी तक बार बार एक तरफा कार्रवाई का ढोल पीटा गया। सवाल यह है कि इस तरह के बयानों से अपराधियों का हौसला बुलंद नहीं होता, हौसला बढ़ता नहीं है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजहबी चाल, दंगाइयों को ढाल, क्या देश कानून से चलेगा या धर्म मजहब के हिसाब से चलेगा, रिलीजन के हिसाब से चलेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन टुनाइट। और आज मैं इस बड़े सवाल के साथ जनता यानी आवाम आपके बीच में आता हूं और यह सवाल पूछता हूं आपसे, क्या देश संविधान से चलेगा या मजहबी और धार्मिक सोच से चलेगा? दंगाइयों को धर्म की ढाल, सियासी चाल। कानपुर मामले में योगी जी की सरकार एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई कर रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, 90% 95% मुसलमानों की गिरफ्तारी हो रही है, 2-4% उनकी हो रही है, बेगुनाहों की गिरफ्तारियां ज्यादा हो रही है। तो यही करना है, हमें रहने नहीं देना, हमारे बच्चों को पकड़ना, गिरफ्तार करना, जुल्म ज़्यादती करना, घर तोड़ देना, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार है ना, हम सब कफन बांध के निकलने आ रहे हैं। भारत में नया ट्रेंड शुरू हो गया है, आतंकियों को ATS पकड़े तो उनका धर्म बताओ, एनकाउंटर में अपराधी मारे जाएं तो उनका भी धर्म बताओ, और अगर दंगे पर एक्शन हो तो यहाँ भी धर्म की ढाल लेकर कूद जाओ। जब से BJP की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,475 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। BJP गवर्नमेंट सिवाय यानी मुसलमानों को घेरने के, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के, दूसरा कोई काम नहीं है। दंगाइयों के जो पोस्टर जारी हुए उनमें किसी का नाम नहीं लिखा, लेकिन कुछ नेता यहाँ भी हिंदू मुसलमान का बोर्ड लेकर खड़े हो। इस बीच हिंसा के आरोप में गिरफ्तारी की हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है और PFI के भी 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए। पोस्टर छपने के बाद कुछ आरोपी खुद से सरेंडर करने भी पहुंचे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या धर्म का कवर देकर हिंसा तंत्र का हौसला बढ़ाया जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मजहबी चाल, दंगाइयों को ढाल। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, दंगाइयों को कवर फायर का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको एक एक करके बयान सुनाता हूं। आज का बयान है 7 जून 2022 का समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम विरोध में डूबी योगी सरकार कानपुर में एक तरफा एक्शन कर रही है, अमीक जमाई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जो कि समाजवादी पार्टी के ऑफिशियली प्रवक्ता है। गिरफ्तारी में 90% मुसलमान, सिर्फ 10% दूसरे लोग हैं। कानपुर के शहर काजी 7 जून 2022 को इनकी भी स्टेटमेंट है, मौलाना अब्दुल कुदुस इनका नाम है। असाउद्दीन ओवैसी, मार्च 2021 में मैं आपको लेके चलता हूं, ये जनाब कहते हैं यूपी में एनकाउंटर में 37% मुसलमान मार दिए गए, बाकी कौन थे लोग जो 63% थे, वो कौन से धर्म से आते थे? अपराधियों का धर्म क्यों देखा जाता है? अपराधियों का अपराध देखना चाहिए या उनका मजहब देखना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं। बढ़ता हूं आगे। भोपाल के शहर काजी अप्रैल 2022 में सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, ये कहते हैं खरगोन हिंसा को लेकर मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये लोग जो है ये उकसाते हैं, फिर लोग जो है इनके उकसावे में आते हैं और हिंसाएं क्या बढ़ती हैं? ये मेरा सवाल है, क्या कार्रवाई धर्म के आधार पर होनी चाहिए? जवाब है नहीं। क्या कार्रवाई के अंदर धर्म देखना चाहिए? जवाब है नहीं। तो फिर धर्म क्यों देखा जाता है? ये बड़ा सवाल है।
असाउद्दीन ओवैसी फिर आते हैं अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी हिंसा में के बाद जो बुलडोजर पर एक्शन हुआ उस पर उन्होंने बोला कि मुसलमानों को सामूहिक सजा मिल रही है, ये इनका बयान था। आगे आता हूं अमंतुल्लाह खान, मार्च 2020 आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हिंसा की जांच की आड़ में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं किस तरह के बयान है समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, ओवैसी का क्या बयान है, ये आपके सामने है। ये सारे बयान मैंने आपको दिखाए हैं, दंगाइयों को कवर फायर का ये विश्लेषण है, इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया है, ये सब कुछ इन्होंने बोला है, ये सब कुछ इन नेताओं ने बोला है, ये लाजिम बात है। और अब मैं बढ़ता हूं आगे, मेरे साथ आज की चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में रिजवान अहमद जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, मेरे साथ अतीकुर रहमान इस चर्चा में है, मेरे साथ दानिश कुरैशी, अनुराग भदौरिया है इस चर्चा में, आप तमाम लोगों का स्वागत है। शिवम त्यागी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, शुभ्रास्ता जुड़ेंगी, और भी कई मेहमान जुड़ेंगे, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं अनुराग भदौरिया, और सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि दंगे में धर्म देखना चाहिए, क्या आपको लगता है अपराधियों में धर्म देखना चाहिए, तो समाजवादी पार्टी क्यों धर्म देख रही है और कह रही है कि योगी सरकार मुस्लिम विरोध में डूब चुकी है, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, मुझे कबीर दास का एक दोहा याद आता है और आपके भी बहुत मतलब का होगा, कहते उन्होंने कहा था, करता था तो क्यों किया, अब करे क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए। ये किसके लिए कह रहे? आप लगातार सालों से बीजेपी के लिए, लगातार सालों से भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में, समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बोलती चली आ रही है, नफरत के कांटे बो रही है एक दूसरे के अंदर। बीजेपी के नेता का कहा, नहीं नहीं, एक बात बताइए, ये मुस्लिम विरोध में डूबी है योगी सरकार, कानपुर में एक तरफा कार्रवाई हुई है, इसमें इसमें बीजेपी का नेता कहा है? ये तो आपका नेता है अमित जमाई, आपका वरिष्ठ नेता है अमित जमाई, तो आप, मैं बोल दूंगा ना कहाँ है, अरे आप मुझे 60 सेकंड दोगे तो बोलूंगा ना कहाँ है, आप पहले परेशान हो गए तो कहां से पता चलेगा, अभी आपको हम खोज के बता रहे हैं ना, आपको 60 सेकंड देंगे तो सही, आप परेशान हो गए सुनते ही, तो अब कैसे आपको मिलेगा बीजेपी का नेता। भारतीय जनता पार्टी लगातार सालों सालों से यहां से जब से सत्ता में आई है, सुबह से लेकर शाम तक इनके प्रवक्ता और इनके नेता जहरी तो बोलते हैं, जब भी बोलते हैं किसी को सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं क्या, आप इनके कई डिबेट उठा के देख लीजिए, ये कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, डिबेट का नहीं है कि डिबेट में कैसी शब्दावली हो रही है, हमारे यहाँ नहीं ना, डिबेट के शब्दों का विषय नहीं है, जो विषय है कानपुर हिंसा पर विषय है, उस पर आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आपने कबीर का दोहा, आपने कबीर का दोहा, आपने कबीर का दोहा पढ़ दिया, बोया पेड़ बबूल का तो कैसे होगा, तो मुझे ये बताइए, ये कबीर का दोहा पढ़ने से पाप छुप जाएंगे क्या? बोलने दोगे क्या? बोलने दो, उत्तर प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने यहाँ पे नफरत के कांटे बोए हैं, और यहाँ हमेशा भाईचारा खत्म करने की बात की है, ये विकास की राजनीति तो करते नहीं है, हमेशा ये यहाँ पे नफरत की राजनीति करते हैं। किस तरह से, कभी ज्ञान वापी पे चिल्लाने लगेंगे, कभी ताजमहल पे चिल्लाने लगेंगे, कभी कुतुब मीनार पे चिल्लाने लगेंगे, कभी वहां खुदाई करने लगेंगे। अरे भाई, आप मानवता के बारे में क्यों नहीं बात करते? अच्छा, ये तो आपके आरएसएस प्रमुख ने बोला, अभी बीजेपी अलग बोलती है, आरएसएस प्रमुख अलग बोलते हैं, वो कहते नहीं हम क्यों हर जगह सिमलिंग खोजते हैं, क्यों हम नफरत की राजनीति करते हैं, या तो उनकी बात मान लें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मान लें, किसकी बात माने ये बता दीजिए। हिंदुस्तान किसकी बात, हिंदुस्तान आपने सही बोला, संविधान से चलेगा, न्यायपालिका से चलेगा, धर्म और जाति के राजनीति से नहीं चलेगा, इस बात से हम आपके साथ सहमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है, क्योंकि वो सनातन धर्म को नहीं जानती, सनातन धर्म हमेशा क्षमा सिखाता है, यहाँ पे हमेशा घृणा से दूर हटाने की बात करता है। आपने लगातार बोल रहे हैं, अब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूँ मैं, आपने ज्ञान वापी गिनाया, आपने ताजमहल गिनाया, आपने मथुरा गिनाया, आपने कई सारी चीजें गिरा दी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पलटकर, क्या आपको लगता है ये जो आप इसको लेजिटिमेट कर रहे हैं, जो कानपुर में हिंसा हुई वो इन सब बातों को लेकर हुई, आप लेजिटिमेट कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार स्टेटमेंट दे रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने में फ्लॉप हो चुकी है, सुन तो लीजिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में फ्लॉप हो चुकी है, इनका एलआई सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, गृह मंत्रालय नाम की कोई चीज मुझे लगता है बची नहीं है, जहां पे देश का प्रधानमंत्री जी आ रहे हो, राष्ट्रपति जी आ रहे हो, मुख्यमंत्री जी खुद हो, और वहां पे एलआई को पता नहीं चले कि इस तरह का दंगा होने जा रहा है, इसके मतलब ये सरकार के सरकार रहने लायक नहीं है, जिस सरकार की पुलिस सिस्टम इतना फेलियर हो, जो मतलब आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार का ग्रह, आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, आपकी बात
आपने अपनी बात को बोला, अच्छी बात है, इस पे जरूर मैं रिएक्शन लूंगा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। लेकिन एक तो अनुराग जी इत्मीनान से इस बात का जवाब दे दीजिए, आपने जो एग्जाम्पल्स दिए क्या वो एग्जाम्पल आपने क्यों दिए? हाँ। आप ज्ञानवापी भी लेके आए, आप ताजमहल भी लेकर आए, अब मथुरा भी लेकर आए, और आपके नेता कहते हैं कि मुस्लिम विरोध में डूब चुकी है योगी सरकार, कानपुर में एक तरफा एक्शन कर रही है योगी की सरकार, और आपका कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, आपका राष्ट्रीय प्रवक्ता है अमीक जमाई, आपका स्टार नेता है अमीक जमाई, जवाब दीजिए उसके बारे में। अरे भाई देखिए, किसी के बारे में मैं जवाब नहीं देता, आपको मुझसे बात पूछनी है, किसी के बारे में पूछना है बता दीजिए पहले। अरे आपने बोला कि आपने बोला कि पेड़ जो है बबूल का बोया जा रहा है, ये अमीक जमाई कौन सा गुलाब का पौधा बो रहे थे, ये अमीक जमाई कौन सा गुलाब का पौधा बो रहे थे, या फिर ये भी बबूल ही बो रहे थे? जवाब देना पड़ेगा। अमीक जमाई पर क्या कहना चाहते हैं? जवाब दे दूं प्रभु? हाँ बोलिए। अरे जवाब दे दूं प्रभु? मैं नहीं हूँ प्रभु, ऊपर वाला पार्टी देश के अंदर में। अरे सुन तो लो भाई, भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में विकास की राजनीति नहीं कर रही। अमीक जमाई बीजेपी में कब से आ गए? बेरोजगारी महंगाई महंगाई पे चर्चा नहीं करना चाहती है? बीजेपी कब से ज्वाइन करी है? ये तो जानकारी आई नहीं पार्टी का बताइए अमीक जमाई। अरे आप सवाल पूछते हो जवाब भी नहीं सुनोगे? नहीं, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी वाला, मैं पूछ रहा हूँ अमीक जमाई ने पार्टी कब बदली है? अरे बोल तो रहा हूँ, सुन तो लो मुझे प्रभु, सुन लो प्रभु, सुन लो। आप कहे बेचैन है? आपको कबीरदास का एक तो और सुना देता हूँ तो थोड़ा बेचैनी आपकी दूर हो जाएगी। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप मतलब भगवान। प्रभु हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म क्षमा सिखाता है। आपको पता है जब लड़ रहे थे श्री प्रभु राम लड़ रहे थे रावण से, क्षमा तो दसवें दिन भी प्रभु राम ने बोला था, रावण सुन, अगर अभी भी तू सीता माँ को लौटा देगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये हमारा धर्म है। यहाँ यहाँ जाके यहाँ यहाँ पर किसको आप माफी की बात कर रहे हैं? भी लौटा दोगे तो मैं युद्ध बंद कर दूंगा। देखिए हमारा धर्म, आप रामायण को कोट कर रहे हैं, अब आप गीता को थोड़ी देर में कोट करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर ऐसा विषय क्या है जिसके अंदर माफी चाहिए। ओके रिजवान अहमद, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन। रिजवान अहमद रिप्लाई जो कि मैंने लगातार बयान पढ़े हैं समाजवादी पार्टी के नेता का भी, मौलाना अब्दुल का भी जो कानपुर के शहर काजी हैं, असाउद्दीन ओवैसी साहब का भी जो भोपाल के शहर काजी है उनका भी, अमंतुल्ला खान का भी, और यहाँ पे कबीर का धोआ पड़ा जा रहा है जिस पार्टी के नेता ने यह बात बोली है। नहीं नहीं जी, जय हिंद वंदे मातरम, अपनी बात रखूंगा। राहुल तो हमारे अनुराग भाई तो जब बैठते हैं तभी बौखलाए हुए होते हैं, उनकी बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अमीश भाई, इतिहास तो छुपाया गया इस देश में, इतिहास तो छुपाया गया यार, आप लोग सब मिल के वर्तमान भी छुपा रहे हो। ये नया नमूना, आप लोग वर्तमान भी छुपा रहे हो, क्या बात है? इतना परेशान हो, इतना डरे हो, महंगाई है, अमीश भाई है। अनुराग 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 शांत रहना पड़ेगा, अनुराग शांत रहना पड़ेगा आपको। अरे जाहिल आदमी को चुप कराओ यार अमीश, पहले आप ही जाहिल आदमी को पहले बोलने का मौका दे देते हो, दूसरे बोलते हैं तो ये जाहिल आदमी बीच में बोलता है। अनुराग अनुराग और अनुराग मेरा इसकी बकवास हम लोग चुप बैठ के सुनते हैं। अनुराग आपका ऑडियो क्या बोलेंगे? ये है बीजेपी, देख लो ये बीजेपी के सपोर्टर है। कहां पर है भाषा शैली भूल जाते हैं। अरे चुप रहो गवार आदमी, चुप रहो, तुम गवार लगते हो अपनी बातों से, गवार बोलते हैं, गवार की भाषा शैली सही नहीं है, जो सम्मान करना, गवार लगते हो बिल्कुल, जाहिल आदमी तुम। देखिये मेरा निवेदन, जाहिल आदमी बिल्कुल नहीं, देखिये शकल से गवार, बातचीत से गवार, शकल सूरत से गवार, चुप रहो। रिजवान रिजवान देखिये वो भी एक पार्टी के प्रवक्ता है, वो अपनी बात को, वोट रिजवान, वोट रिजवान, वोट रिजवान, जब वो जाहिल बोलता है तब चुप रहते हैं, रोका उनको मैंने, जब आप बोलते हैं वो गवार आदमी बीच में बोलता है। आप भी अपना गुस्सा शांत करिए, अनुराग आप भी बीच में ना बोलिए, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं आप दोनों से। ओके रिजवान आप अपनी बात को रख लीजिए, अनुराग अनुराग मेरा निवेदन मानिए ना प्लीज, आप अपनी बात, आप इंस्टिगेट कर रहे हैं अनुराग, अब नॉट दिस इज नॉट फेयर। मैंने आपको 9 मिनट दिए अपनी बात को रखने के लिए, अनुराग का ऑडियो खोलिए जरा 10 सेकंड के लिए। अनुराग आप क्या, आप और 30 सेकंड बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, आप 30 सेकंड आप बोलना चाहते हैं, अपनी अपनी भाषा पूरी कर लीजिए। गवार दो कौड़ी के गवार, एक सेकंड बीस गालियां दे सकते हैं, गवार चुप हो जा, चाहे तो आप मेरी बात सुन लीजिए,
अरे मेरी बात सुन लीजिए, हम चाहें तो 20 गालियां दे सकते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार समाजवादी कहते नहीं हो तुम, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, गवार हो, चुप हो जाओ। मैं आपको पलट के कुछ बोलूं, मैं आपको बोलूं गवार हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। प्रभु आप और गालियां दे दीजिए, गवार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, गवार भारतीय जनता पार्टी के गवार चुप हो जाओ, दे दो, हम क्षमा दे रहे हैं, तुम्हें हजारों आदमी गालियां देता है, गवार क्षमा करते हैं, गवार चुप हो जाओ। अब किसको कोई क्या कहता है, गवार चुप हो जाओ, कम से कम गवार चुप हो जाओ, बोलिए कि अच्छे रास्ते पे आ जाए, चुप हो जाओ, मर्यादा रखें, और गांव वाला। अच्छा ठीक है, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूँ। पहले रिजवान आप अपनी बात को कंप्लीट कर ले, फिर आप अनुराग भदौरिया बोलिएगा। अनुराग बीच में नहीं ना, रिजवान आप अपनी बात को कंप्लीट कर ले, मेरा निवेदन मानिए और किसी को कोई अपशब्द ना बोले, मेरा निवेदन है ये। मेक योर पॉइंट रिजवान। बिल्कुल बोले जाएंगे जी। देखिए अमित जी, आई डू नॉट स्टैंड विद नुपुर, साफ बता रहा हूं नेशनल टीवी पर, ना ही मैं भाजपा के साथ खड़ा हूं और ना ही मैं मुसलमान के साथ खड़ा हूं और ना ही इन दो कौड़ी की सेक्युलर पार्टियों के साथ खड़ा हूं। वकील आदमी हूं मैं, न्याय के साथ खड़ा हूं। और एक सवाल पूछ रहा हूं, इसका जवाब जरूर लेना अमीश भाई जी, जी। अगर पत्रकार हो सच्चे तो जवाब जरूर लेना। सब लोग सवाल उठाते, बोलिया जी। धारा 504 आईपीसी की कहती है कि whoever intentionally insults and thereby gives provocation to any person intending to be likely that such provocation will cause that person to break public peace or commit any other offense। धारा 504 ये कहती है आईपीसी की कि अगर कोई किसी को प्रवोक करता है और उसको लुभाता है कोई अपराध करने पर या गलत काम करने पर, तो प्रवोक करने वाले पर 504 का मुकदमा लिखा जाएगा जिसमें 2 साल की सजा है। रामनवमी पे लोगों ने गलत नारेबाजी करी तो मैंने सुना मुसलमान प्रवोक हो गए। भाई कोई बात नहीं, हो गए। निपुर शर्मा ने कोई गलत शब्दावली इस्तेमाल कर ली तो कानपुर में पत्थरबाज प्रवोक हो गए। ये डरपोक समाज ये बात पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा कि निपुर शर्मा को प्रवोक किसने किया, उस डिबेट में किसने प्रवोक किया। ये डरपोक समाज, ये डरपोक मीडिया, ये डरपोक भारत कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा। पूरी डिबेट क्यों नहीं दिखाते, निपुर शर्मा को अगर डॉक्टर रहमानी ने प्रवोक किया तो डॉक्टर रहमानी पर 504 का मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जितने भी पैनल पे लोग बैठे हैं, रिजवान बैठे हैं, आपने बोला डरपोक मीडिया, डरपोक देश, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने बोला डरपोक मीडिया, डरपोक देश, डरपोक समाज। जो नुपुर शर्मा ने बोला उसके साथ खड़ा नहीं कोई हो सकता, वो गलत है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं आगे बढ़ता हूं। आपने जो बात बोली, आपने बोला कि जो डॉक्टर रहमानी ने बोला, मैंने पूरी वो डिबेट नहीं देखी है। डॉक्टर रहमानी ने अगर प्रवोक किया होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो मुकदमा होना नहीं, चाहिए, वो होगा ना, इन्वेस्टिगेशन होगी तो होगा। द पॉइंट इज दिस, अब आज आप कानपुर पे आते हैं। नहीं, मुकदमा पुलिस को डायरेक्टली मुकदमा रहमानी के खिलाफ लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? ये आपका लेजिटिमेट राइट है, आप सवाल उठाएं, आपका लेजिटिमेट राइट है सवाल उठाएं, लेकिन मुकदमा जिसने कराना होगा वो कराएगा। अगर इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी को लगेगा तो वो कराएगी। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं? देखिए मैं तो जिस तरह से मुसलमानों को प्रवोक किया गया था, कोई आदमी ये क्यों नहीं बोल रहा कि हो सकता है नुपुर को भी प्रवोक किया गया हो। मैं बोलूं,
तमाम तरह के सवाल पूछ रहा है। विषय जो है वो अभी कानपुर की हिंसा पे जो धार्मिक एंगल आ रहा है उसको लेकर है। ओके, एक सेकंड आप अपनी बात को रखिएगा अनुराग, लेकिन बाकी भी लोग हैं। तुम चुप रहो, तुम क्या बोलोगे यार, तुम वकील थोड़ी हो, तुम्हें 504 के बारे में कुछ पता भी है कि हर जगह बीच में बोलने आ जाते हो? अरे 5 सेकंड इसकी आवाज कम करो। अरे ओके ओके अनुराग भदौरिया, 504 का मामला क्या है? 5 सेकंड देखिए, मुझे आपत्ति है, सुनिए मुझे आपत्ति है। आपकी टीवी डिबेट पे बैठ के कोई आदमी हिंदुस्तान, सुन तो लीजिए, आपकी टीवी डिबेट पे बैठ के कोई आदमी हिंदुस्तान को डरपोक बोल रहा है, हिंदुस्तान के समाज को डरपोक बोल रहा है, मीडिया को डरपोक बोल रहा है। धिक्कार अमित देवगनाथ पे कि आपके चैनल पे कोई आदमी हिंदुस्तान को डरपोक बोल रहा है। आप सुन रहे हो, इसे भगाइए यहाँ से। हिंदुस्तान को डरपोक बोल रहा है, हिंदुस्तान के समाज को डरपोक बोल रहा है, पूरी मीडिया जगत को डरपोक बोल रहा है। भगाइए इसको यहाँ से। हिंदुस्तानी आदमी अपनी पॉपुलरिटी पाने के लिए पूरे हिंदुस्तान को डरपोक है। राजनीति के लिए सच नहीं हो सकता, हिंदुस्तान को भी आप सुनवा रहे हो। राजनीति के लिए सच, ठीक है ठीक है, देखिए रिजवान, ये हिंदुस्तान को डरपोक बोल रहा है, को डरपोक बोल रहा है। अरे ना हिंदुस्तान किसी के कहने से डरपोक होता है, ना किसी के करने से डरपोक होता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, वहां पर कई लोग अपनी बातों को रखते हैं। अब एक आदमी तो ये भी कह रहा है कि मुस्लिम विरोध में योगी सरकार डूबी हुई है, तो मुस्लिम विरोध में थोड़ी योगी सरकार डूबी हुई है, सबको अपनी बात कहने का हक है। आप भी अपनी बात कह रहे हैं ना, आपने अपनी बात 2022 के चुनाव में 2 महीने पहले भी बोली, लेकिन पब्लिक ने नहीं माना, नहीं माना ना अनुराग भदौरिया? आपने बोला योगी सरकार में बहुत बुरा हाल है, पब्लिक ने नहीं माना। आपने बोला बेरोजगारी बहुत है, युवाओं ने नहीं माना। आपने बोला महंगाई बहुत है, लोगों ने बोला हमको यही चाहिए। क्या करिएगा? 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 4 में बीजेपी जीत के आ गई। क्या क्या आपको लगता है इससे लोकतंत्र कमजोर होता है? नहीं, लोकतंत्र मजबूत ही हुआ। हाँ, आपकी पार्टी जरूर कमजोर हो गई, कांग्रेस का तो और बुरा हाल हुआ। सच्चाई ये है, किसी के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होता। अब कोई व्यक्ति कहता है हिंदू तालिबान, तो हिंदू तालिबान थोड़ी हो जाएगा। सबको अपनी बात कहने का हक है, सबको अपनी बात कहने का हक है। बोलने की आजादी क्या एक तरफ है, क्या दूसरी तरफ चलती नहीं है? वो दूसरी तरफ नहीं बोल सकता कोई, बोलेगा। हर आदमी को अपनी बात को रखने का हक है, बोले, उसको कंडेम करिए, उस पर डिबेट करिए, उस पर डिस्कशन करिए, उसे एक्सपोज करिए, बट एवरीवन हैज हिज राइट टू स्पीक। सबको इजाजत है, उसकी बात को आप कंडेम कर सकते हैं। हिंदू तालिबान को कोई बोलना नहीं रुकवा सकता, लेकिन हिंदू तालिबान को कंडेम किया जा सकता है कि नहीं, हिंदू तालिबान नहीं है। कोई बोको हरम से हिंदू हिंदुत्व को कंपेयर कर देता है, कोई बोको हरम से आरएसएस को कंपेयर कर देता है, उस पर डिबेट डिस्कशन हो सकते हैं। दैट्स द पॉइंट। मैं बार बार कह रहा हूं कि निवेदन है ठीक से हम बहस को करें। दानिश कुरैशी और अतिकुर रहमान, मैं आपके पास आता हूं 40-40 सेकंड में, फिर मैं सुभाष्ट्रा आपका रुख करूंगा। अतिकुर रहमान, क्या धर्म देखना चाहिए खास तौर पर जब कार्रवाई हो रही हो, क्यों देखा जा रहा है? जी अमीश भाई, जो आपका ये शीर्षक है, जो इंटेंट आपने लिया है, मैं इसकी कदर करता हूं कि इस तरह का कोई भी ऐसी हरकत हमारे सभ्य समाज का हिस्सा नहीं हो सकती कि अगर कोई कार्रवाई सरकारें कर रही हैं तो उसमें धर्म क्यों टटोला जाए। तो अमीश भाई, फिर हम लोगों को बहुत ज्यादा सवाल पूछना पड़ेंगे कि भाई कहां कहां धर्म देखा गया, कहां कहां सुविधाएं दी गई, कहां कहां लीनियंसी सरकारों ने अपनाई, और कहां कहां सवाल पूछा जाना चाहिए था और सवाल पूछा नहीं गया। आज क्योंकि ये यूपी का मामला है तो आप अच्छी तरह से इस बात को रख रहे हैं कि भाई धर्म को टटोला जा रहा है, एक क्राइम हुआ है, एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है, और उसके बावजूद धर्म के कहीं ना कहीं नाम लेकर उनसे या तो बचाने की कोशिश हो रही है। आप कानपुर के शहर काजी क्या कह रहे हैं? सिर्फ नेता नहीं कह रहे, शहर काजी कह रहे हैं गिरफ्तारी में 90% मुसलमान है, सिर्फ 10% दूसरे लोग हैं। बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ेंगे। क्यों भाई, क्यों? मतलब ये बयान का समर्थन कैसे हो सकता है कि कोई कफन बांध के निकल पड़ेगा क्योंकि कार्रवाई हो गई है? अब अगर पत्थर चलाई उन लोगों ने होंगे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कैसे सुपराष्ट्र को गिरफ्तार कर लेंगे? अगर पत्थर चलाई दूसरी तरफ से होंगे, कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अनुराग भदौरिया को? अगर किसी और ने पत्थर चलाए होंगे तो आपको भी कैसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर पत्थर किसी और ने चलाए होंगे तो? ये काजी साहब को क्यों लग रहा है कि
अब हम सर पे कफन बांध के निकलेंगे, क्यों जी? तब भी पत्थर मारने के लिए भी कफन बांध के निकले थे क्या? किसका विरोध था वो? प्रोवोकेशन की बात आ जाती है इसमें अमीश जी, और प्रोवोकेशन कहां से हुआ ये सिर्फ तहकीक के बाद में आप फैसला कर सकते हैं कि आखिर प्रोवोकेशन पहले कहां से हुआ, बाद में कहां से हुआ, और ये तय करना हमारा आपका काम नहीं है, पुलिस का काम है। जी जी जी, इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूं, हमारा और आपका काम नहीं है, पुलिस का काम है। इन लोगों का क्या काम है? समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अमीक जमाई का क्या काम है? ओवैसी साहब का क्या काम है? कानपुर के शहर काजी का क्या काम है? भोपाल के शहर काजी का क्या काम है? अमनतुल्ला खान का क्या काम है? सवाल पूछा जाएगा ये? शुभराष्ट्रा 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए, देन आई विल कम टू यू। 30 सेकंड। आमिश जी, अभी जो अतिकुर रहमान जी ने जो बात कही उसमें और अबू काजमी ने जो बात कही थी परसों उसमें कोई खास तात्विक अंतर है नहीं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि बिना प्रोवोकेशन डिसाइड हो, प्रोवोकेशन वाली बात डिसाइड हो, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर एक्ट करे, ये बात तो इनकी ठीक है। लेकिन जिस तरीके से अबू आजमी ने या कानपुर के जो शहर काजी उन्होंने कहा, ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना ये वायलेंस को। अमीक जमाई ने बोला है, लेट मी करेक्ट यू, अमीक जमाई ने बोला है, अबू आजमी ने नहीं बोला ये बात। अमीक जमाई ने तो बोला ही है, उन्होंने तो जो जी आमिश जी जमाई जी ने तो जो जहर उगला वो तो उगला। मैं अबू आजमी की भी बात कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बयान दिया, जो जस्टिफाई किया कि कानपुर में रायट्स जो भड़के वो इसलिए भड़के क्योंकि जो युवा थे उन बेचारों का क्या काम, वो तो प्रवोक होंगे ही, और वो पूरी की पूरी जो पूरा एक लूप है वो लूप तैयार किया गया। मैं मूल मुद्दा में ये कहना चाह रही हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ, आप देख रहे हैं आर पार शिवम, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इसी डिफेंस सिस्टम से आसमान में ही तबाह कर दिया। इस बीच खबर है कि रूस के खिलाफ जंग में स्पेन यूक्रेन को जर्मनी से खरीदे गए आधुनिक लेपर्ड 2 टैंकों से लैस करेगा, जिसके बाद पुतिन की सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जर्मनी के इन टैंकों को जंग के मैदान का बड़ा योद्धा माना जाता है। ये टैंक दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियों पर लगे करीब 450 मिलीमीटर तक के कवच को भेदने का दम रखते हैं। साथ ही दावा है कि ये रूसी सेना के T-72 टैंकों को करीब 2 किलोमीटर दूर से ही गोला दाग कर तबाह कर सकते हैं, जबकि उसके T-62 टैंक तो 4 किलोमीटर दूर रहकर भी इनके हमले से नहीं बच सकते। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्पेन यूक्रेन को 40 लेपर्ड 2 टैंक मदद के तौर पर देगा। जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक युद्ध का अभ्यास करते दिखाई दिए। बताया गया कि पूर्वी यूक्रेन में चल रही भीषण जंग में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ये तैयारी की गई, जिसके तहत जेलेंस्की के कई सैनिक एक सुनसान इलाके में अपनी ताकत की आजमाइश करते नजर आए। खबर है कि ये सैनिक 120वीं ब्रिगेड के जवान हैं, जिनकी तैनाती जल्द ही पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से में की जाएगी जहां इन दिनों पुतिन की सेना सबसे बड़ी जंग लड़ रही है, और उससे मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के सैनिक युद्ध के इस अभ्यास में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए। फायरिंग के साथ ही जेलेंस्की की सेना ने एक मकान को चारों तरफ से घेर कर उसमें छिपे दुश्मनों को ढेर करने की भी ट्रेनिंग ली। इसके अलावा दुश्मन सेना के काफिले पर हमला करने की रणनीति भी उन्हें सिखाई गई। असल में डॉनबास को पूरी तरह अपने कब्जे में करने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से जुटी है। उधर यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना का प्रशांत महासागर में युद्ध अभ्यास जारी है। बताया गया कि ये अभ्यास 10 जून तक चलेगा, और इसके पीछे रूस का मकसद समंदर में अपनी ताकत को और बढ़ाना है। बताया गया कि इस युद्ध अभ्यास में रूस के करीब 40 युद्धपोत समंदर में उतरेंगे, यही नहीं 20 लड़ाकू विमान भी अपनी ताकत दिखाएंगे। खबर है कि युद्ध अभ्यास में रूसी नेवी के जवान समंदर में छिपी पनडुब्बियों का पता कैसे लगाया जाए इसके बारे में खास ट्रेनिंग लेंगे। 3 जून से शुरू हुए युद्ध अभ्यास की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें रूसी नौसेना के जवान युद्धपोत से समंदर में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। सैनिकों ने सबसे पहले अपने लिए हवाई टारगेट को लॉक किया और फिर ताबड़तोड़ हमले किए। युद्ध अभ्यास के दौरान रूसी एयरफोर्स के कुछ लड़ाकू विमान भी आसमान में उड़ान भरते दिखाई दिए। बताया गया कि एयरफोर्स की मदद से नेवी के जवानों ने अलग अलग तरह के हमले से बचने की ट्रेनिंग ली। दावा है कि जवानों ने लड़ाकू विमानों से पहले खुद पर ही हमले करवाए और फिर उन हमलों को नाकाम किया। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी मदद के लिए यूक्रेन पहुंचे पोलैंड की सेना के टैंक नजर आए।
रूस से लड़ने के लिए पोलैंड ने यूक्रेन को मदद मुहैया कराने का वादा किया था और उसी की पहली खेप जंग के सबसे बड़े मोर्चे यानी डॉनबास में दिखाई दी। वीडियो में एक के पीछे एक करीब चार टैंक नजर आए जिन पर पोलैंड का झंडा भी लगा दिखा। बताया गया कि ये पोलैंड की सेना के भरोसेमंद टैंकों में एक T-72M1 टैंक है जिन्हें रूस से लोहा लेने के लिए वहां भेजा गया। डोनबास वो इलाका है जिस पर रूस अभी भी कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ये इलाका अभी भी उसके कंट्रोल में है। और उसी डोनबास के जंगल में मौजूद यूक्रेन की टुकड़ी को पोलैंड से आई टैंकों की खेप सौंप दी गई ताकि युद्ध में रूस से टक्कर लेने में ये उसके काम आ सके। यूक्रेन के लुहांस्क में रूस के दो पायलटों के स्टंट करने का वीडियो सामने आया। कहा जा रहा है कि रूस के घातक कामोव K-52 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलटों ने ये स्टंट उसकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए किए। इसलिए जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचे उन्होंने खतरनाक स्टंट करके किनारे पर खड़े लोगों को डरा दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें दूर से ये दोनों हेलीकॉप्टर तालाब की तरफ आते दिखाई दिए जिनमें एक जैसे ही तालाब के किनारे पर पहुंचा वो पानी को छूते हुए तेजी से ऊपर की तरफ चला गया। इतनी देर में तो वहां खड़े लोग घबरा गए और उन्होंने अपने पैर पीछे की तरफ खींच लिए। हालांकि ये स्टंट करने के बाद दोनों हेलीकॉप्टर वहां से चले गए, लेकिन कहा जा रहा है कि लोगों को तालाब किनारे खड़ा देखकर पायलट ने उनके मनोरंजन के लिए स्टंट करने का फैसला लिया जबकि ये खतरे से खाली नहीं था। उधर पूर्वी यूक्रेन के जिस सेवेरोडोनेत्स्क शहर के लिए रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं उसके बारे में यूक्रेन ने एक ताजा दावा करके कहानी में ट्विस्ट ला दिया। यूक्रेन ने कहा कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर के आधे हिस्से पर उसकी सेना का कब्जा है, जबकि पिछले हफ्ते तक दावा किया जा रहा था कि सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 80% इलाके पर रूस का राज हो गया है। लेकिन एक दिन पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी सेना ने रूस को पीछे खदेड़ दिया है और अब आधा सेवेरोडोनेत्स्क शहर उसके पास है। लुहांस्क के गवर्नर ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क के आधे हिस्से से रूस की फौज का सफाया कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि आने वाले कुछ दिनों में रूस की सेना फिर उन पर वार कर सकती है। इंडस्ट्रियल हब सेवेरोडोनेत्स्क शहर यूक्रेन के लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है जो अब भी यूक्रेन के हाथ में है, इसलिए रूस ने उसे हथियाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि रूस की सेना का टारगेट 10 जून तक सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जा करने का है। कीव को हथियाने के लिए पुतिन ने एक बार फिर अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। इसकी वानगी तब देखने को मिली जब रूसी सेना ने शहर में मौजूद एक रेलवे स्टेशन को बमबारी कर ध्वस्त कर दिया। करीब 2 महीने पहले इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए अपनी सेना के सबसे बड़े दस्ते का इस्तेमाल भी किया था। उस वक्त ये दावा किया गया कि कीव पर कब्जा जमाने के लिए बेलारूस से पुतिन ने सेना के 64 किलोमीटर लंबे काफिले को रवाना किया था। उस खतरनाक दस्ते में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और सैकड़ों जवान शामिल थे। ये भी दावा किया गया था कि रूसी सेना ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे ही ये काफिला राजधानी कीव के नजदीक पहुंचा रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। रूसी मिसाइलों की मार ने शहर को उजाड़ कर रख दिया। कीव के कई इलाके तो पूरी तरह खंडहर में बदल गए, लेकिन यूक्रेन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 पर। सुब्राष्ट्र, आप अपनी बात को समाप्त कर सकती हैं। आप अपनी बात को रख रही थी, 40 सेकंड आपके पड़े हुए हैं, मेक योर पॉइंट। अमित जी, मैं यही कह रही थी कि ये जो बयानबाजी की जा रही है, चाहे वो स्टूडियो में की जाए या जनरली बयानबाजी जो की जा रही है, उसमें एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि जो हिंसा हुई उसका किसी भी तरीके से जस्टिफिकेशन अलाउड नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा जो सर पे कफन बांध कर निकल जाएंगे इस तरह की जो बयानबाजी जो काजी कर रहे हैं, या अबू आजमी ने जो कल कहा कि कल परसों जो भी कहा उन्होंने कि बच्चे थे, बच्चों का तो रिएक्शन जस्टिफाइड था, ये एक तरीके से पॉलिटिकल सिग्नल है कि आप अपनी जो हिंसात्मक प्रवृत्ति है उसको बनाए रखिए। एक कौम, एक समुदाय, एक पार्टी आपके साथ खड़ी है और यहां जितने लोग बैठे हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि इन और आमिक जमई वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी लेकर के उसकी बिल्कुल साफ जबान में भर्त्सना करें, क्योंकि अगर ये बार बार नूपुर शर्मा का प्रकरण ला रहे हैं तो जी वेरी मैच्योर पॉइंट फ्रॉम योर साइड कि मैं बहुत नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं चाहता हूं कि इस पर ये डिस्कशन हो, डिस्कशन इसी के अराउंड रहना भी चाहिए। क्या हम प्रोवोकेशन एक तरफ हुआ, प्रोवोकेशन उस हुआ, उस पे रिएक्शन हो गया, लेकिन जब ये कवर फायर मिलता है तो इन सब लोगों को और बल मिलता है। दानिश कुरेशी, अगर बच्चा घर में चोरी करके आए और उसकी चोरी को छुपाया जाए और कहा जाए कि तुमने बढ़िया काम किया, तो वो बच्चा दोबारा चोरी करता है।
अगर इन सब इंसिडेंट्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश का क्या हाल होगा? ओके, अब मैं जवाब दूं और मैं उम्मीद आशा करूंगा कि अमीश मैं किसी के बीच में नहीं बोला तो मेरे मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, मैं असदुद्दीन साहब के उस स्टेटमेंट की तायद करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के अंदर में एंटी रेडिकलाइजेशन का एक पूरा यूनिट बनना चाहिए जो नौजवानों के लिए एंटी रेडिकलाइजेशन का पूरा काम करे। सरकार ये नहीं चाहती है। और देखिए, इस देश में दंगों की राजनीति हमेशा से सारी पार्टियां करती आई हैं और करती आ रही हैं। हमें ये देखना पड़ेगा, आखिरकार एक बात बताइए, क्यों इंसान को इंसान से दुश्मनी है जो किसी को जानता भी नहीं है? देखिए, जो सामने सामने पथराव कर रहे हैं वो एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं है। कभी किसी का एक पैसा नया किसी ने ना दबाया है ना मारा है, ना ही उनका कुछ पर्सल खा लिया है। आखिरकार ये जहर वही तो लोगों ने बोया है। दरअसल मुझे लगता है कि इलाज मैं आ रहा हूं उस पर ही मैं उसी पे आ रहा हूँ। सवाल ये है कि ये जो सियासी पार्टियों ने हमारे देश में ये कम्युनलाइजेशन का जो जहर बोया है, अपनी आसान सत्ता पाने के तरीके से हमें उनको नकारना पड़ेगा। नकारे बिना आप ये समझते हैं कि सिर्फ सेकंड स्पेल, थर्ड स्पेल, फोर्थ स्पेल, एक इंसिडेंट बन जाने के बाद हम चौथे लेवल पे बात करेंगे कि भाई जो पथराव कर रहे थे। देखिए, पथराव और दंगों की राजनीति, इस दंगे इस देश में अंग्रेजों की देन है, उससे पहले कभी भी दंगे नहीं हुए अंग्रेजों के शासन के बाद। आपकी बात सही कि दंगे अंग्रेजों की देन है, लेकिन लेकिन अब लेकिन 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 मैं आपने बोला साउद्दीन ओवैसी ने बहुत अच्छा काम, आपने बोला कि एक एंटी रेडिकलाइजेशन पूरा उन्होंने दस्ता बनाना चाहिए, लेकिन वही कह रहे थे उस एंटी रेडिकलाइजेशन के दस्ते में सबसे पहले तो उनको भेजना पड़ेगा कि उनकी थोड़ी काउंसलिंग की जाए और उनको बताया जाए कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर का जो एक्शन था वो मुसलमानों को सामूहिक सजा मिली है। पहले तो वो बयान देंगे, फिर बोलेंगे एंटी रेडिकलाइजेशन दस्ता बना देना चाहिए। किसके लिए बनाना चाहिए? उनको तो अपनी पार्टी में एक दस्ता रखना पड़ेगा। मैं जवाब दूं अपने भाई को बताने के लिए, अपने प्रवक्ताओं को बताने के लिए। मैं जवाब दूं अमीश जी, मैं जवाब दूं। हाँ, मैं जवाब 20 सेकंड में दीजिए, देन जवाब दूं इस पे मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि एंटी रेडिकलाइजेशन ये आरएसएस और उसकी भगिनी जो संस्थाएं हैं उन लोगों के पूरे दस्तों को वहां भेजने की जरूरत है ताकि उनके दिमाग में जो ये जो जहर है कट्टर नहीं, यू कांट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंज, वो खत्म हो जाए। दूसरी तरफ संतरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। आपने बोला, क्या आरएसएस ने बोला किसी दंगे के बाद कि वहां पर हिंदुओं के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई हो रही है या मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है या क्रिश्चियंस के खिलाफ कार्रवाई हो रही है? बोला आरएसएस ने? नहीं बोला। बोला जिसने उस पर आप अच्छा तो मैं आपको बता दूं, देखिए मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट अमित सुन लीजिए, मोहन भागवत जी का बड़ा अनइंटरप्टेड सुन लीजिएगा। मैं राम मंदिर के बाद कोई आंदोलन नहीं होगा। लेट शिवम कम इन, कोर्ट से सुलझाइए। थैंक यू सर, दे दीजिए, दे दीजिए 40 सेकंड। थैंक यू। मामला कोर्ट में नहीं था। कुछ बातें कही गई कि एंटी रेडिकलाइजेशन होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि एक धर्म या फिर यूं कहिए एक पार्टी जो है यहां पर अपीज करने की कोशिश कर रही है। नहीं, मैं मिथ तोड़ता हूं। इस देश में किस तरीके से पूरा विपक्ष, व्हेन आई से पूरा विपक्ष मतलब एक एक पार्टी और एक कौम, किस तरीके से परेशान है और किस हद तक परेशान है। आपको याद हुआ करौली में दंगे हुए, करौली में दंगे कैसे हुए, वहां पर कौन था? राजस्थान में सरकार तो कांग्रेस की है ना, बावजूद उसके मतलूब अहमद गायब है। ओवैसी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, समाजवादी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आम आदमी ने कहा मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, अकेले उनको टारगेट किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार है। वहां पर इतना दर्द। फिर उसके बाद खरगोन में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कहा गया समाजवादी द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा, कांग्रेस द्वारा और मौलानाओं द्वारा के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। जहांगीरपुरी में जब यहां पर ये दंगे हुए, और सारे दंगे शोभ यात्रा के बता रहा हूं मैं आपको, जब हिंदू एक जलसा लेकर जा रहे हैं, जहांगीरपुरी में भी यही मॉडल अपनाया गया। यहां पर आम आदमी पार्टी ऐड हो गई, आम आदमी, समाजवादी, कांग्रेस और मौलाना सबने कहा कि मुसलमानों को परेशान हुआ जरा। आज यूपी में बीजेपी है, यहां पर फिर से वही आम आदमी, समाजवादी, कांग्रेस, आप और मौलाना सब मिलकर कह रहे हैं जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। 37% जो है उन्हीं के जो है एनकाउंटर हुए। पूरी स्टेटमेंट में आपको कहीं एक जगह भी हिंदू दिखाई दिया? कोई एक पार्टी इस देश में बता दीजिए जिसने यह कहा हो कि जो पत्थर खा रही है पुलिस या फिर हिंदू या फिर शोभ यात्रा वाले या फिर आम आदमी या फिर दुकानों में आग लगाई जा रही है, उनको मारा जा रहा है,
एक पार्टी ने, किसी ने भी, एक मौलाना ने भी, एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड ने भी, एक ने भी ये नहीं कहा कि जो पिट रहा है वो परेशान है। और मैं पुलिस की बात करता हूं, ये जो पुलिस वाला मॉडल ये लेके आए हैं ना, 90 के दशक में पाकिस्तान में नारे लगा करते थे कि ये जो गुंडागर्दी है इसके पीछे वर्दी है। आप मुझे एक चीज बताइए, ये वर्दी को मानते नहीं। कल अभी आपको याद है मदनी जी के उसमें सभा में क्या हुआ है, मदनी जी की सभा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है देवबंद में, जिसमें यह कहा गया है कि ये जो अदालतें हैं ये देश का संविधान नहीं मानती। ये मानते किस चीज को हैं? पुलिस को ये नहीं मानते। शहर काजी आकर कह दे रहा है मैं कफन बांधकर बैठा हूं, आ जाइए कफन बांधकर। कल अगर आतंकवादी आकर मेरे देश में कहने लगे कि मैं कफन बांधकर बैठा हूं और अगर आप मुझे मारने की कोशिश करोगे या मेरे बच्चों को तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, तो क्या सरकार पीछे हट जाएगी? क्या ये तालिबान है यहां पर कि जो आप चाहो जो भी करो? और बौद्धिक सपोर्ट इस देश में दंगाइयों को और आतंकवादियों को और हर एक लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को, इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां बौद्धिक समर्थन हर रोज करती हैं। ठीक है, आतिकुर रहमान आल्सो वांट्स टू रिस्पोंड। दानिश, दानिश फर्स्ट 40 सेकंड्स यू, देन दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी फर्स्ट यू, देन आतिकुर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं जी, त्यागी जी जो कह रहे हैं ना, दरअसल इनकी बात में तथ्य कुछ होता नहीं है, सारी हवाबाजी करते हैं। ये कहते हैं पुलिस को नहीं मानते, अदालत को नहीं मानते। अरे तो भाई यहाँ मनुस्मृति तो लागू नहीं है, संविधान लागू है और देश में कानून व्यवस्था के मानते हैं तो सारा प्रोसेस हो रहा है। और आप ये भी देख लीजिए, आप ये भी देख लीजिए, देख लीजिए आप ये भी, और बताइए इनके बुलडोजर कब चलेगा? मेरा नहीं है, तो ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि इनके यहाँ बुलडोजर कब चलेगा? कर दिया गया, ये क्या करूँ मैं? मानसिकता एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 33% छोड़िए, अगर गलत करोगे पुलिस के ऊपर हथियार उठाओगे, शोभ यात्रा पर दंगा करोगे, पत्थर चलाओगे तो सदा भुगतनी पड़ेगी। 37 नहीं चाहे 97% हो। आपको देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए फासिस्ट ताकतों के तो ऐसे बचाओगे संविधान के निकलना ही पड़ेगा। अदालत पर अकेला फतवा जारी करके संविधान बचाओगे? एक पॉइंट है। देश को उस मोड़ पे ले जाएंगी फासिस्ट ताकतें। इस देश में कौन फासिस्ट ताकतें हैं? ये बड़ा पुराना बयान है, मुझे तो याद आ रहा है जब मैंने कवरेज, जब मैं जर्नलिस्ट बना था और कवरेज करनी शुरू करी थी, तो अक्सर हर कृष्ण सिंह सुरजीत, एक सेकंड, होल्ड ऑन, आई वांट टू मेक अ पॉइंट। देखिए, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत, जब मैंने रिपोर्टिंग करनी शुरू करी थी तो हरकृष्ण सिंह सुरजीत काफ़ी एक्टिव कभी होते थे, और हरकृष्ण सिंह सुरजीत की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र यही होता था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब, कि ये फासिस्ट सरकार है, ये जो सरकार है ये बड़ी फासिस्ट है, और यही जो फासिस्ट सरकार है इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इसमें लेफ्ट पार्टियां अधिकतर बड़ी भूमिका अपनी निभाती थी जो फासिस्ट शब्द का इस्तेमाल करती थी। वो फासिस्ट शब्द सुन के मुझे आज एक सवाल दिमाग में आया, और मुझे लगता है कि अतिकुर रहमान से बेहतर कोई नहीं होगा उसको जवाब देने के लिए। अतिकुर रहमान, अगर आप मुझे जवाब दें, कौन है फासिस्ट इस देश के अंदर? कौन सी सरकारें फासिस्ट रही इस देश के अंदर? कौन सी सरकारें फासिस्ट रही इस देश के अंदर? या फिर ये बयान फासिस्ट नहीं लगते आपको, जो बयान मैंने सुनाए हैं अभी कुछ देर पहले और बताए हैं? अमीश भाई, अगर आप एक ब्रॉड माइंडेड डिस्कशन इसके ऊपर करना चाहते हैं तो मेरा इतना ही आर्ग्यूमेंट रहेगा कि अगर आप एक तरफ उंगली उठा रहे हैं तो हम लोगों को सोच लेना चाहिए कि चार उंगली मेरी तरफ है। अच्छा, अभी आपकी डिबेट पे कहा गया कि तमाम मौलाना इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि वो पहले दंगा करें और उसके बाद में उनको पूरी की पूरी सुरक्षा मिले एडमिनिस्ट्रेशन का, और हमेशा से ये होता रहा है और हमेशा से उनको सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, और इसी में छुपा है आपके सवाल का जवाब, कि आखिर इकोसिस्टम सपोर्ट करता है कौन? है इकोसिस्टम पूरा के पूरा, वो इकोसिस्टम ट्विटर से लेकर कतर तक है। नहीं, इसके लिए आपको मैं अमीश जी समझता हूं कि प्री 2014 और पोस्ट 2014 की भारत के ऊपर ध्यान देना होगा। पूरा अच्छा। के पूरा राम मंदिर मूवमेंट, रथ यात्रा क्या थी? प्रोवोकेशन नहीं था। जब कार सेवकों को एक एडमिनिस्ट्रेशन ने मारा, उन पर गोलियां चलाई, आज तक के उनको कोसा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की हिम्मत कैसे हुई? आपने एक अच्छा पॉइंट रखा, मुझे बताइए गोली चलाने की। नहीं ना, मेरा 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 सवाल है कि आपने बोला प्री 2014 और पोस्ट 2014, जरा मुझे बता दीजिए प्री 2014 और पोस्ट 2014 क्या था? अभी तक हम सोचते थे बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, इंडिया में है प्री 2014 और आफ्टर 2014, प्री कोविड पोस्ट कोविड भी होगा आने वाले समय के अंदर, लेकिन ये प्री 2014 और पोस्ट 2014 क्या है, क्या फर्क आया, आपको क्या लगता है? आप मुझे अगर एक लाइन से, दो लाइन में बता पाए तो।
2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद ये प्रोवोकेशन भी अंतर बताइए। ये प्रोवोकेशन भी एक अंधभक्त की तरफ से आया था, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आप जानते हैं उसे। मैंने कॉइन नहीं किया है, ये प्रोवोकेटिव था। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि पूरा राम टेम्पल आप तो अंधभक्त को प्रोवोकेशन नहीं आप था क्या? तो अंधभक्त को अंधे तरीके से फॉलो नहीं करते। मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूँ, प्री 20 आपने जो बोला उसी का सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा राइट है सवाल पूछना कि 2014 से पहले कैसा भारत था, 2014 के बाद कैसा भारत है। मैं जवाब जान रहा हूँ, इसका जानना चाह रहा हूँ। आपका तो मौका है, रगड़ दीजिए, बोल दीजिए। तो जवाब दे रहा हूँ जी जी जी। द फ्लोर इज योर्स। राम टेम्पल मूवमेंट क्या था? क्या वो संवैधानिक था? क्या विद इन लॉ था? अगर विद इन लॉ था तो NTCA प्रोटेस्ट क्यों नहीं विद इन लॉ मानते हैं आप? ठीक है, ये प्रोवोकेशन है जी जी जी, ये प्रोवोकेशन है अमित जी। ठीक है, देखिए कई सारे हाथ खड़े हैं, मेरे को सबका जवाब देना पड़ेगा। आपने एक ऐसा पॉइंट रखा है, रिजवान भी कुछ कहना चाहते हैं, शुभराष्ट्र भी कुछ कहना चाहते हैं, शिवम भी कुछ कहना चाहते हैं। एक एक करके रिजवान, ओके शिवम, पहले मैं आपको 10 सेकंड का मौका। मैं धन्य हो गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 490 साल बाद बना और कानून के तहत बना, और उसके बाद भी इस देश में बैठे हुए एक सेक्युलर मुसलमान कहते हैं कि ये प्रोवोकेशन से बना। सर, अगर प्रोवोकेशन होता तो 490 साल इंतजार थोड़ी ना। ठीक है, आपने तो पॉइंट रख लिया। ओके 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 ओके, रिजवान अहमद, सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? अमीश भाई, सुषमा स्वराज बार बार कह रहे हैं कानपुर पे आओ, कानपुर पे आ जाओ। ठीक है ठीक है, ओके, अथिक यू गॉट योर टाइम। रिजवान अहमद इज वेटिंग, अनुराग गुदरिया इज वेटिंग, एंड शुभराष्ट्र इज वेटिंग। मैं कानपुर पे आ जाता हूं, और रॉन्ग नरेटिव इज बीइंग सेट कानपुर की घटना को प्रोवोकेशन बोल बोल के। अमीश भाई, एज अ लॉयर बता रहा हूं, जहां प्लानिंग होती है वहां प्रोवोकेशन नहीं होता, जहां प्रोवोकेशन होता है वहां प्लानिंग नहीं होती। इस तरह से लॉ पढ़ाया जाता है हम लोगों को। तुम्हें नुपुर ने प्रवोक किया, तुमने 6 दिन जुम्मे का इंतजार किया, तुमने पेट्रोल खरीदा, तुमने पत्थर इकट्ठा करे, ये प्रोवोकेशन नहीं है, ये क्राइम है, ये गुंडागर्दी है। और गुंडागर्दी का जवाब लाठी से नहीं, गोली से मिलना चाहिए। प्रोवोकेशन नहीं है, प्रोवोकेशन का मतलब होता है कि अमीश भाई ने कुछ बोला और तत्काल मैंने रिएक्शन किया, 7 दिन की प्लानिंग करके और जुम्मे की भीड़ का इंतजार करके हिंसा करने को प्रोवोकेशन नहीं बोलते। दूसरी बात, हर आदमी ने नुपुर पर मुकदमा लिखने से पहले यह बोला कार्रवाई करो, सबने बोला। आज सब क्या बोल रहे हैं? जब मैंने उसका जिक्र किया कि नुपुर को किसने प्रवोक किया, तो आज सब कह रहे हैं पुलिस अपना काम करेगी। अरे क्यों करेगी पुलिस अपना काम? तुम्हारा ओपिनियन क्या है तुम बताओ कि अगर नुपुर को प्रवोक किया गया तो किसने किया, वो सही था या गलत था? तुम अपना ओपिनियन तो दो, पुलिस जो करेगी वो बाद में करेगी। अतिकुर रहमान, अमित जी, प्रोवोकेशन की बात जहां तक है, सबसे बड़ा प्रोवोकेशन ये है कि हमारी सरकार 20 साल से उस कानून को पास करने में असमर्थ है जो रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग अलग करने के लिए लाया गया बात है, जो क्राइम और पॉलिटिक्स के नेक्सस को खत्म करने के लिए लाया गया है। जब तक ये कानून पारित नहीं होते हैं, ऐसे ही विशेष सर्कल बनाया जाता रहेगा। नुपुर को अगर किसी ने प्रवोक किया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नुपुर को किसने अगर प्रवोक किया, आप उसके खिलाफ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग करने का कानून लाइए, सब मामला सुलझ जाएगा। ये देखिए, अभी तो जो हो गया है वो जब कानून आएगा तब आएगा। अब मतलब जब कानून आएगा तब आएगा, लेकिन अभी तो इस विषय पर भी प्रोवोकेशन है। जी जी जी, ठीक है, कानून ना लाना भी प्रोवोकेशन है। अच्छा, मतलब कानून आना चाहिए, लेकिन पॉइंट। ओके ओके ओके, अनुराग भदौरिया जवाब दे। अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं और दानिश कुरैशी भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, आपके पास भी मौका है। अनुराग जी बता दीजिए, ये जो आपके प्रवक्ता हैं, आपके वरिष्ठ नेता हैं, ये प्रोवोक कर रहे हैं या फिर ये कॉशियस अप्रोच दे रहे हैं?
आईपीसी 504 तो बता देते। अमीजी मैंने आपको सबसे पहले बोला था, आप शायद उस चीज को समझ नहीं पाए क्योंकि समझने में दिक्कत हुई होगी। अरे मेरे समझने में दिक्कत नहीं है, मेरे समझने में दिक्कत नहीं है, आपको तो जनता ही नहीं समझ रही। आपको तो जनता ही नहीं समझ रही, आप मेरे समझने में दिक्कत कर रहे हैं महाराज। जनता ही नहीं, जनता कोई नहीं समझा पा रही। शिवम देखिए, अनुराग समझाना चाहते हैं, अनुराग समझाइए, समझाइए जरा। अच्छा हो गया, एक सेकंड, जनता ही नहीं, जनता कोई नहीं समझा पा रहे। आपने ठीक है, आपने डिबेट में बहुत सारे नाम लिए, अच्छा होता हिंदुस्तानी की तरह कपिल मिश्रा का भी नाम ले लेते, आशीष मिश्रा का भी नाम ले लेते, प्रज्ञा ठाकुर जी का भी नाम ले लेते, एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने क्या क्या बोला था उनका भी नाम ले लेते, क्या बोला? आप एक आउटर दिल्ली के सांसद हैं उनका भी नाम ले लेते तो अच्छा लगता। आपने सबका नाम लिया, क्या उनका भी लिया, इनका भी लिया, क्या बोला था? जो चाहे क्या उन्होंने बोला, क्या उन्होंने बोला किसी धर्म विशेष के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर बोला तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा आपसे। अगर उन्होंने बोला कि किसी धर्म विशेष में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए तो मैं लाइव डिबेट में माफी मांगूंगा। बोलिए किस किस ने बोला, एक स्टेटमेंट मुझे दिखाइए। आई विल अपोलोजाइज इन लाइव डिबेट, टेल मी अनुराग भदौरिया। नो अनुराग भदौरिया, यू हैव ब्लेम्ड मी, यू हैव ब्लेम्ड माय चैनल, आंसर इट। अच्छा ठीक, आंसर इट। क्या मुझे बताना पड़ेगा ना? ये डिबेट यही रुक जाएगी, व्यूअर्स बेस्ड डिबेट को यही रोक देता हूं अनुराग भाई। ना 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 ना, बिल्कुल ना, बड़ा ना। आप मुझे बताइए किस नेता ने और बोला कि धर्म विशेष पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, किसी धर्म विशेष को लेकर बोला? अगर परवेश वर्मा ने बोला, अनुराग ठाकुर ने बोला, कपिल मिश्रा ने बोला, किसने बोला बताइए मुझे, टेल मी। मैंने आपसे क्या बोला? बोया पेड़ बबूल का तो आम। मैंने कहा नफरत की राजनीति, नफरत की बात करने वाले, समाज के अंदर नफरत की बात करने वाले दोनों तरफ से आ रहे हैं ना भाई। तो मतलब मान रहे हैं ना, आप भी बराबर है, वो नफरत उनके नेता बात करते हैं इधर से, आप मान रहे हैं इधर से, आप नाम ले रहे हो, ये लोग बात करते हैं, क्यों बात करते हैं भाई? नफरत की राजनीति क्यों होगी हिंदुस्तान की? नफरत वाली बात तो कर रहे हैं, मैं तो नफरत की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, शुभराष्ट्र वांट टू रिस्पॉन्ड, शुभराष्ट्र जी कौन? अरे तो मैंने कहा दोनों तरफ से, मैंने क्या बोला आपसे? आपको ही बोलिए, ये लोग भी नफरत की बात कर रहे हैं, मैं इनको भी बोलता हूँ ये भी नफरत की बात होनी चाहिए। देश के अंदर नफरत की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के अंदर भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। मैं हर एक व्यक्ति से कहता हूँ, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे किसी भी समुदाय से आता हो, वो देश के अंदर। अरे वही तो अनुराग, आप तो वही कह रहे हैं, आप तो वही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ किसी समुदाय से किसी धर्म से इनकी जिंदगी कार्रवाई होनी चाहिए। आपके नेता कुछ और कह रहे हैं, कमाल है। अच्छा ठीक है, भाईचारा की बात कीजिए। अनुराग, अनुराग क्यों भाई? अनुराग मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि विकास की राजनीति करके सत्ता क्यों नहीं पाना। विकास की राजनीति, बिल्कुल विकास की राजनीति पे ही बात होनी चाहिए और लोग विकास पे वोट करते हैं। इस पे बात क्यों नहीं होती? जी जी जी, करीब अभी दो महीने पहले तो पांच राज्यों में चुनाव हुए जी, शांत होना पड़ेगा। देखिए आप मेरी बात को मानिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अभी आपको तो एक अवार्ड भी मिला है, एक बड़े मतलब जो प्रवक्ताओं को अवार्ड मिला है उसमें आप टॉप 10 में है भाई। अब आपको ख्याल रखना पड़ेगा, आपको तो बड़ा सम्मान मिला है भाई। अब शुभराष्ट्र को एक ऑडियो आप करिए, अनुराग जी अब मेरा निवेदन मानिए प्लीज। माय हंबल सबमिशन, दे देना अनुराग भदौरिया पे, लो पत्थर, लो शब्दों का पत्थर, ना हम पत्थर, अनुराग भदौरिया एक और पत्थर, ना हम पत्थर, इसको पत्थर ही पत्थर मारते रहते हो आप जी। अरे हम कहां पत्थर मारते हैं, पत्थर कोई और मारता है भाई। जो पत्थर मारता है आपके नेता कहते हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन शुभराष्ट्र द पॉइंट इज दिस, देयर इज अ एंटायर इकोसिस्टम विच सेज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए, भारत में संविधान ही सब कुछ है, लेकिन जैसे ही कुछ होता है वही इकोसिस्टम कहता है कि मुस्लिम विरोध में डूबी योगी सरकार कानपुर में एक तरफा एक्शन कर रही है। वही इकोसिस्टम फिर ट्वीट करता है, वही इकोसिस्टम फिर देश के बाहर भी जाता है, वही इकोसिस्टम पूरी ग्राउंड को प्ले करता है, और वही इकोसिस्टम कहता है कि हम तो संविधान के साथ है, लेकिन उस संविधान के साथ नहीं है। जब संविधान सम्मत कार्रवाई होती है तो उसको वो दूसरा जामा पहना देते हैं। बिल्कुल आमिश जी, जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं आज बैठ करके, उनका कहना है कि लॉ मोदी सरकार पास करे तो भी प्रोवोकेशन, नहीं पास करे तो भी प्रोवोकेशन, और सीएए की बात ला करके छोड़ी किसी ने यहां पर,
तो सीएए तो संवैधानिक तरीके से आई थी, तो फिर गैर संवैधानिक तरीके से सड़कों पे क्यों उतर आए थे? अनुराग भदौरिया पत्थर फेंकवा रहे, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना, सीधा सीधा सवाल पूछा है। अबू आजमी का और उनके एमएलसी ने जो भड़काऊ बयान दिया उसके साथ वो खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? सिंपल सा सवाल है। पर इन सवालों के अलावा इनसे जितनी भी लच्छेदार भाषा में लच्छेदार तर्क दिलवा लीजिए, ये लोग सब आए बाएं करेंगे लेकिन मूल मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। बात सिंपल सी है, जो घटना हो चुकी देश में उसके अनुमोदन में जो नेता सामने आ रहे हैं, मैं तो अब सीधे सीधे जनता से अपील करती हूं एकदम, और इसमें मैं जिम्मेवारी के साथ कहती हूं, जो नेता भड़काऊ भाषण दे वो दोबारा अगर आपको दिख जाए आपके सामने, उसको उसी भड़काऊ तेवर में जवाब दीजिए। अपनी अगर आपने बात कही है और भड़काया है लोगों को, फिर उस भड़की हुई भीड़ का सामना आपको करना पड़ेगा। इतनी जिम्मेवारी तो होनी चाहिए ना भाई, आपको आपको चुन चुन करके लोगों ने एमएलसी बनाया, सांसद बनाया, जो समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करता है, अनुराग जी आप करण दोष है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं हिंदुस्तान सुधर जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार इसको अपना ले। मैंने कहा कि मैंने सरकार की बात की या मैंने जनता की बात की? अगर भड़काऊ भाषण देगा उसमें कार्रवाई तुरंत हो जाए, सरकार तो कह रही है हिंदुस्तान के अंदर में भड़काऊ भाषण देने वालों की संख्या खत्म हो जाएगी, प्रॉब्लम ट्रेंड खत्म हो जाएगी। ये एक्शन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता बचेंगे कि नहीं बचेंगे? अगर एक्शन शुरू हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनके नेता नहीं बचेंगे, सब पे कार्रवाई हो जाएगी, सब पे कार्रवाई हो जाएगी। आपके साथ खड़ा हूं, कौन प्रवक्ता बनना चाहिए ये सजेशन देते हैं, आपके साथ सरकार को क्या करना चाहिए ये करते हैं, अपनी राजनीति नहीं देखनी है। शुभ्राष्ट्र आपने अपनी बात कंप्लीट किया, दानिश कुरैशी देखिए हिंदुस्तान की राजनीति सुधर जाएगी, हिंदुस्तान का देश सुधर जाएगा। दानिश कुरैशी, एक सेकंड, मैं रिजवान आपके पास आऊंगा। दानिश कुरैशी, दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड टू शुभ्राष्ट्र, शुभ्राष्ट्र ने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला है, लेट दानिश कुरैशी रिस्पॉन्ड। शुभ्राष्ट्र जी से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दरअसल वो सीए और एनआरसी के कानून के विरोध का जो विरोध कर रही हैं, तो याद रखिए वो संवैधानिक अधिकार था। हमारे देश में कृषि कानून के खिलाफ भी कितना बड़ा आंदोलन चला और उसके बाद सरकार ने मजबूरन वापस लिया। कई बार ऐसा होता है कि कानून बनने के बाद सरकारों को लगता है कि कारगर नहीं तो वो खुद वापस लेती है। लोकतंत्र में अपने अपने तरीके हैं और सारे जायज तरीके इस्तेमाल करना देश के नागरिकों का अधिकार है, इसलिए आप किसी विशेष वर्ग के किसी विशेष संवैधानिक विरोध पर आप विरोध ना जताएं। मेरी दो हाथ जोड़ के कर लोगों को महीनों महीने लोग ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाए, ये संवैधानिक नहीं था। आप कुछ भी मत बोलिए, सीए को आप दिल्ली में नहीं होंगे, देखिए वो सारा मामला दिल्ली कोर्ट की में जनता गया। ने जो झेला है उस समय, राष्ट्र जी आप आधी अधूरी बात कर रही हैं, वो सारा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पर सारा मामला चला। और सुनिए, जब कोरोना आया और कोरोना के मामले को लेकर जब देश की बात आई तब वो पूरा आंदोलन समेटा गया, किसी के दबाव में नहीं समेटा गया। आप पहले जानकारी हासिल कर ले राष्ट्र जी, मैं आपका पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ। आप याद रखिए, आप ये जो कुछ भी एलिगेशन कर रही है, आपको याद नहीं है किसानों के आंदोलन में क्या खालिस्तानी है, देशद्रोही है, पाकिस्तानी सपोर्टी है, तो याद रखिए शासक पक्ष के बाद लोग डर कर अंदर बैठे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास पाकिस्तान के अलावा कोई चारा नहीं है, कोई टूल नहीं उनके पास डिफेंस से। उन दंगाइयों को चेहरा दिखाया वो बहुत जरूरी था, और कानून लॉ एंड ऑर्डर संविधान इसको कहते हैं, अपनी सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप कर लीजिए ना, हाथा मत बनिए, आप उसका हिस्सा मत बनिए, सांप्रदायिक हिंसा की राजनीति को एक एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। रिजवान अहमद बार बार हो रही है कि विकास की राजनीति की चर्चा होनी चाहिए, फ्रेगमेंटेड विचार नहीं रखने चाहिए जिससे नुकसान होता है मुल्क का, देश का, समाज का, विकास की बात होनी चाहिए। जी जी, देखिए अभी किसी ने संविधान की बात कही, अमित जी पहले तो कुछ लोग ये तय कर लें कि देश इससे चलेगा या इससे चलेगा, तय कर लें। कभी इसको आगे कर देते हैं, कभी इसको उठा लेते हैं, कभी इसको दिखा देते हैं, कभी ये मार देते हैं, इन दोनों से देश नहीं चलेगा, एक से चलेगा। तुम तय कर लो कि जायज अधिकार कहां से आता है, इससे आता है या इससे आता है, इसकी बात करो, इसकी बात ना करो। दानिश कुरैशी, पत्थर से क्या इंसाफ होता है या संविधान से इंसाफ होता है? दूसरी बात अमीश भाई, देखिए रिजवान अहमद साहब सुनिए मेरी बात, आगे जाके ज्ञानवादी पर बहुत डिबेट होंगे। आप हमसे उम्र बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप जो है ना बहुत सम्मान मतलब आप मेंटेन नहीं कर पाते। सुन लीजिए, अरे दानिश कुरैशी मेरा नाम है, अब आप सहारा लेते हो तुम, इससे ही मुझे सम्मान।
देखिए मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, समझे। दूसरी बात अमीश भाई, आज के बाद ज्ञानवापी पर बहुत डिबेट होंगे, बहुत डिबेट होंगे। किसी ने भी अगर हजूर की कोई बात करी संविधान के मातहत है और वो आपको मानना पड़ेगा। शिवलिंग का मजाक उड़ाया, शिवलिंग का वो भी आपको संविधान ने हक दिया है। मैं यहाँ नागरिक बन के बैठा हूँ, उसको उठा के बाहर भाई आपकी बात कर रहे हैं, इसका सहारा लेना बंद करो। अच्छा देखिए सब लोग बोल रहे हैं, मुझे माफी, दानिश कुरैशी को मैं मौका देना चाहता था। शिवम त्यागी 10 सेकंड्स। देश को अगर ये कानून से चलाना चाहते हैं तो कैसे चलेगा? आपने कहा कि विकास की राजनीति होनी चाहिए, सीए इनको नहीं चाहिए, एनआरसी इनको नहीं चाहिए, तीन तलाक का बिल इनको नहीं चाहिए, पर इन सबसे सिर्फ विकास होगा, कुछ और तरीका नहीं है। नहीं, एक चीज बताइए तो, अगर आपको चेंज लाना है तो आप चीजों को लेकर आएंगे ना, बिल को लेकर आएंगे, 370 हटाएंगे, कृषि कानून लाएंगे। सत्ता पक्ष का काम है सबके साथ समन्वय बनाकर लगातार चला। क्या आपको लगता है वो चल पा रहे हैं? अगर विश्वास नहीं है लोगों में तो दोष तो उनका भी उतना ही है। बात बहुत साफ है, अगर विश्वास नहीं है तो दोष भी तो उनका ही उतना होगा। नहीं, लोकतंत्र वोट का विषय है, हर बार एक पार्टी लगातार जीत के आ रही है, दो बार आ रही है, बिल्कुल जीत के आ रही है, लेकिन लेकिन अगर अगर किसी को विश्वास में कमी आ रही है तो विश्वास में भरोसा दिलाना भी तो उसी का काम है। देखिए उसमें उस विषय पर मेरी और आपकी बहस चलती रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार का काम है अपना इकबाल बनाए रखना, जो बेहद आवश्यक होता है। नमस्कार। अब देखिए